नमस्कार, स्वागत है आपका। यह है बीबीसी दुनिया और मैं हूं नेहा भटनागर। तालिबान नेता मुल्ला अख्तर मंजूर की मौत के बाद क्वेटा में तालिबान की अहम बैठक की खबरें, अगले नेता के नाम पर चर्चा। भारत करेगा ईरान की बंदरगाह चाबहार को विकसित, मोदी और रूहानी ने किए समझौते पर हस्ताक्षर, ईरान के मीडिया में छाया मोदी का दौरा। तुर्की के शरणार्थी कैंपों में पड़ रहे सीरियाई बच्चे भी लौटना चाहते हैं अपने देश, इस्तांबुल में यूएन की अहम बैठक में शरणार्थी संकट पर चर्चा। चीन में बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, ब्रह्मांड में संभावित जीवन की खोज में हो सकती है दूरबीन मददगार। और आखिर में लंदन में थेम्स के किनारे प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन ने सिखाए तबले के गुर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। पाकिस्तान के क्वेटा से खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी ड्रोन हमले में मुल्ला मंसूर की मौत के बाद तालिबान की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक को एक तरह से मुल्ला मंसूर की मौत की तस्दीक माना जा रहा है। शुरा के नाम से जाने जाने वाली इस बैठक का मकसद तालिबान का अगला नेता चुनना है। राष्ट्रपति ओबामा के सीधे आदेश पर हुए इस हमले में कई ड्रोन इस्तेमाल किए गए। बताया जा रहा है कि इस कार में मुल्ला मंसूर के अलावा एक और व्यक्ति था। अफगान सरकार का कहना है कि उन्होंने तालिबान को बातचीत की कई पेशकश की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मुल्ला मंसूर शांति वार्ताओं के रास्ते में एक बड़ी बाधा थे। जब से वो नेता बने थे अफगान लोगों के खिलाफ हमले बढ़ गए थे। तालिबान में सियासी, मिलिट्री और धार्मिक मामलों के प्रमुख के तौर पर मुल्ला मंसूर के नाम की घोषणा पिछली गर्मियों में हुई थी। तभी पता चला था कि गुट के संस्थापक मुल्ला उमर की 2 साल पहले ही मौत हो गई है। अब तालिबान का उपनेता सिराजुद्दीन हक्कानी है जिन पर $35 लाख का इनाम है, लेकिन ये साफ नहीं कि मुल्ला मंसूर की जगह कौन लेगा। अब तालिबान में नेता के पद की होड़ शुरू हो सकती है जिसका फायदा तथाकथित इस्लामिक स्टेट गुट के लड़ाकों को हो सकता है। लेकिन अफगान लोग तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि मुल्ला मंसूर की मौत से उनकी सुरक्षा और शांति की चाह पर क्या असर पड़ेगा। और अब डिजिटल दुनिया की हलचल। सीरिया के लताकिया प्रांत में 2 शहरों में कार बम धमाके और आत्मघाती हमले हुए हैं जिनमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ये दोनों शहर अब तक सीरिया में जारी गृह युद्ध से एक तरह से बचे हुए थे। इन शहरों को राष्ट्रपति बशर अल असद का गढ़ माना जाता है। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट गुट ने धमाकों की जिम्मेदारी ली है। इराकी शहर फलूजा को तथाकथित इस्लामिक स्टेट गुट के कब्जे से छुड़ाने के लिए इराकी सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस्लामिक स्टेट गुट के चरमपंथियों की इराकी सेना के बीच वहां मुठभेड़ हुई। 2 साल पहले इस्लामिक स्टेट गुट ने सबसे पहले फलूजा पर ही कब्जा किया था। थाईलैंड के एक स्कूल की डॉर्मेट्री में लगी आग में 17 बच्चियों की मौत हो गई। उत्तरी थाईलैंड के एक निजी स्कूल में हुई इस घटना में कुछ छात्राएं घायल भी हुई और कुछ लापता हो गई। चियांग राई में स्थित 2 मंजिला इमारत में जब आग लगी तो छात्राएं सो रही थी। इस घटना में मारी गई छात्राओं की उम्र 6 से 13 साल के बीच थी। ईरान की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों की पुरानी दोस्ती की बात की। भारत और ईरान ने आपसी सहयोग के 12 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जिनमें चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए अहम समझौता हुआ। ईरान में किस तरह से देखा जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को, इस पर बीबीसी न्यूज रूम से मेरी सहयोगी समरा फातिमा ने और जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईरान दौरे के बारे में आज बात करते हैं बीबीसी फारसी सेवा के मोहम्मद वजीरी से। वजीरी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि ईरानी लोग, ईरानी मीडिया इस दौरे को कैसे देख रहा है? ईरान के मीडिया में काफी कवरेज है। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान पर से प्रतिबंध हटे हैं। 15 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ईरान आया है, इसलिए दौरे से पहले और अब काफी कवरेज है। लोगों में भी काफी दिलचस्पी है। भारत यूं भी एक सॉफ्ट पावर है, भारतीय फिल्मों को लेकर ईरान में काफी उत्सुकता रहती है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और ईरान की दोस्ती तो इतिहास जितनी पुरानी है, लेकिन ईरान इन संबंधों को कैसे लेता है? ईरान और भारत के संबंध बहुत पुराने जरूर हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रतिबंधों की वजह से दोनों देश उतने करीब नहीं थे। ईरान के लिए भी भारत से संबंध काफी अहमियत रखता है। अब ईरान में निवेश के लिए सही वक्त है। खास तौर से नजरें टिकी हैं चाबहार में भारत के निवेश पर। मानवीय समस्याओं से निपटने के लिए सहयोग जुटाने के मकसद से तुर्की में संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तुर्की में सबसे बड़ी तादाद में सीरियाई प्रवासी हैं और वहां सीरियाई बच्चों की जिंदगी को तुर्क स्कूल नई दिशा दे रहे हैं।
इस्तांबुल के 150 से ज्यादा स्कूलों में भर्ती सीरियाई प्रवासियों के बच्चों का जोश देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता कि वे जंग के साए से निकलकर आए हैं। बीता वक्त याद करते हुए मोहम्मद बताता है कि उसने अलेप्पो में अपने स्कूल पर बम गिरते देखे हैं। आज वो बात भी तुर्क भाषा में करता है। सीरिया में जारी गृह युद्ध ने इनकी पहचान बदल दी है। हम अपने देश वापस जाने की उम्मीद खो चुके हैं। हम यहाँ रहने को मजबूर हैं क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के साथ उनके खेलकूद का भी ख्याल रखा जा रहा है। कई बार इस्तांबुल में रह रहे प्रवासियों पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, लेकिन मनोचिकित्सीय मदद की जरूरत उन्हें भी है। नई जिंदगी के लिए नए सबक। तुर्की में करीब 30 लाख सीरियाई प्रवासी रह रहे हैं, जो कि दुनिया के किसी भी और देश से ज्यादा हैं। और आज बीबीसी शॉर्ट्स में देखिए कैसे बचाए गए भालू के बच्चे, मकड़ी ने उड़ाए पत्रकार के होश और कीड़े के साइज का उड़ने वाला रोबोट। इन तीन भालू के बच्चों को पिछले साल जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में आई बाढ़ के बाद सड़कों पर घूमते हुए पाया गया था। अब ये डॉग शेल्टर में हैं, लेकिन जल्द ही ये ग्रीस की एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में पहुंचा दिए जाएंगे। एक अमेरिकी चैनल में मौसम की जानकारी देने वाले पत्रकार भले ही भयंकर तूफान से न डरते हों, लेकिन उनके मॉनिटर पर दिखी एक मकड़ी ने उन्हें हिलाकर रख दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने कीड़े के आकार का उड़ने वाला रोबोट बनाया है। इसका इस्तेमाल प्राकृतिक आपदाओं में फंसे लोगों की खोज करने और उन्हें बचाने के लिए किया जा सकता है। चीन कुछ ही दशकों में अपनी प्रगति और ताकत से पूरी दुनिया में एक महाशक्ति की तरह उभर चुका है। हर क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ने वाला चीन विज्ञान के क्षेत्र में भी झंडे गाड़ना चाहता है, जिसके लिए वो दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप बना रहा है। आधे किलोमीटर लंबे डिश वाले टेलीस्कोप की एक झलक। यहाँ बन रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप का डिश जितना बड़ा होगा, अंतरिक्ष में उतने ज्यादा संकेत मिलेंगे और इससे वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड के बारे में और जानकारी। चीन एस्ट्रोनॉमी में बाकी दुनिया के मुकाबले काफी पीछे है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हमें कुछ ऐसा बनाना चाहिए जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी किया जा सके। 5 साल में बनने वाली इस टेलीस्कोप पर अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। इस विशाल प्रोजेक्ट के जरिए चीन विश्व में विज्ञान की दुनिया में अपना झंडा गाड़ना चाहता है। हर साल लंदन के साउथ बैंक सेंटर के एल्केमी फेस्टिवल में दक्षिण एशियाई संगीत, कला और सभ्यता का उत्सव मनाया जाता है। इस साल शामिल हुए मशहूर तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन और तबले की एक वर्कशॉप में 100 से ज्यादा बच्चों और लोगों के साथ उन्होंने ताल से ताल मिलाई। शिवानी कोहोक ने की उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ एक खास मुलाकात। मुझे बच्चों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं जब पहले पहले तबला लेकर हिंदुस्तान से निकला था और यूरोप वगैरह होते हुए अमेरिका पहुंचा, तो मेरा पहला जो जॉब था, जो काम मुझे मिला, वो था तबला सिखाना यूनिवर्सिटी। मेरी शुरुआत एज अ प्रोफेशनल नहीं हुई, मेरी शुरुआत एज अ टीचर हुई। शास्त्रीय संगीत जो है ये स्टेडियम म्यूज़िक नहीं है, ये ऐसा म्यूज़िक नहीं है जो 50,000 लोग बैठ के आपको दूर से देखें, आप स्क्रीन पे नज़र आएँ, उस टाइप का नहीं है। ये एक बड़ा ही इंटीमेट काइंड ऑफ का संगीत है, जिसमें कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपस में वार्तालाप संगीत का हो रहा है, आँखों से आँखें मिल रही हैं और वाह वाह प्यार मोहब्बत हो रहा है। अब अगर हम सोचें कि क्लासिकल म्यूज़िक को स्टेडियम में पहुँचाना है और जेजी या बियॉन्से या इस टाइप का हो, तो वो उसका जो एक उसकी जो एक शक्ल है वो बिगड़ जाती है। बल्कि अब जैसे एल्केमी है, यहाँ पर एक ही हॉल में हमको वेस्टर्न क्लासिकल भी सुनने मिलता है, शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तानी भी है, तो इतने सारा म्यूज़िक अगर हमको एक ही जगह सुनने मिल जाता है तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। दुनिया और भारत के पड़ोसी देशों की एक्सक्लूसिव और खास खबरों के साथ हम कल फिर इसी वक्त यानी 9:20 पर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बीबीसी दुनिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी इसी वक्त मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।